जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे शिव जी के एक पुत्री के बारे में। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि शिव जी को कन्या भी है। हम गणपति भगवान के बारे में जानते हैं, षडानन यानी कार्तिक जी के बारे में जानते हैं, लेकिन शिव जी को एक कन्या भी थी। उनका नाम था अशोक सुंदरी। पद्म पुराण के अनुसार यह कथा का संपूर्ण विस्तार मिलता है कि भगवान शिव को एक कन्या भी थी, उनका नाम था अशोक सुंदरी। एक बार माँ पार्वती ने सृष्टि का श्रेष्ठ उद्यान देखने की इच्छा भगवान शिव के आगे व्यक्त की, तो शिव जी माँ पार्वती को लेकर नंदनवन चले गए। वहाँ उन्होंने श्रेष्ठ उद्यान बताया और वहाँ एक कल्प वृक्ष था, तो माँ पार्वती ने इच्छा व्यक्त की कि यह कल्प वृक्ष हम कैलाश में ले जाएंगे। तो शिव जी की आज्ञा से वह कल्प वृक्ष कैलाश में लेकर आए और कैलाश में ये उद्यान के अंदर रख दिया। अब शिव जी तो समाधि अवस्था के अंदर बैठे थे, तो माँ पार्वती को मन के अंदर ऐसी जिज्ञासा हुई कि मुझे एक लड़की हो तो कैसा अच्छा हो, मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ कूदेगी और हम दोनों साथ में खेलेंगे। तो कल्प वृक्ष के सामने माँ पार्वती गई, उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो एक वृक्ष में से कन्या उत्पन्न हुई, देव कन्या। वो बहुत सुंदर थी, उसका नाम रखा अशोक, लेकिन सुंदर होने के कारण उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी। तो अशोक सुंदरी बहुत श्रेष्ठ और उत्तम थी, संपूर्ण गुणों वाली थी, देवकन्या थी। तो धीरे धीरे उनका विवाह पहले से तय था कि चंद्रवंश के राजा अयाति के पुत्र नहुष के साथ। तो अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदनवन के अंदर घूमने के लिए गई, तो वहां झुंड नाम का एक राक्षस था। उन्होंने अशोक सुंदरी को देखा, उतना तेज था, उतना सौंदर्य था, तो झुंड नाम के राक्षस ने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो अशोक सुंदरी ने बताया, मेरा विवाह पहले से तय हो चुका है नहुष के साथ। तब झुंड ने विचार किया कि मैं नहुष को भी मार दूंगा। झुंड ने नहुष का अपहरण कर लिया और अपने यहाँ रख दिया। तो राक्षस में से एक राक्षसी बहुत अच्छी और श्रेष्ठ थी, उन्होंने नहुष को छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में उसको रख दिया। अब धीरे धीरे नहुष बड़े होने लगे और नहुष ने झुंड नाम के राक्षस को परास्त कर दिया और उसको मार दिया। और शिव जी की आज्ञा से नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ और उनके दाम्पत्य जीवन में एक पुत्र और 100 कन्या हुई। इस तरह से अशोक सुंदरी शिव जी की पुत्री है और उनका विवाह चंद्रवंशी अयाति के पुत्र नहुष के साथ हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।